अस्सलाम वालेकुम, मैं इब्राहिम मलिक, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। सब से गुजारिश है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। बहुत खूबसूरत भेड़े हैं। ज़्यादातर लोग यहाँ मिक्स नस्ल की बकरियाँ पाल कर रखते हैं, क्योंकि साथ पहाड़ी इलाका है ना, जंगल भी लगता है गवर्नमेंट का, और इनको आसानी है चराने में भी। हाँ भाई दोस्तों, मैं अब एक पोल्ट्री फार्म की तरफ आ रहा हूँ, और पोल्ट्री फार्म पर देखता हूँ कि मेरे दोस्त ने चूज़े पाल रखे हैं, कि चूज़ों की क्या पोजीशन है और किस तरह का माहौल है, और ये कारोबार क्या कितना नफा बख्श है, तो आपको दिखाता हूँ। हाँ जी, ये पोल्ट्री फार्म है, और अब मैं पहुँच चुका हूँ, तो मैं दिखाता हूँ ये चूज़े किस तरह के हैं। पोल्ट्री फार्म का अंदरूनी हिस्सा आपको दिखा रहा हूँ। चूज़े हैं तकरीबन 15-16 दिन के, ये हैं माशाल्लाह काफ़ी सेहतमंद हैं, खूबसूरत हैं, और इन लोगों की काफ़ी मेहनत है कि ये काफ़ी अरसे से पोल्ट्री का काम कर रहे हैं, और बहुत ही ये नफा बख्श काम है। अगर एहतियात की जाए तो बिल्कुल इस काम में बहुत फ़ायदा है, और मेहनत अल्लाह पाक कभी भी रायगां नहीं करता। तो ये चूज़े जो हैं कुछ बीमार से भी हैं, जो ये आपको नज़र आ रहे हैं कमज़ोर, तो इनको इन मालकान ने साइड पर रखा हुआ है, क्योंकि ये इनका अलहदा वार्ड बनाई है। दोस्तों, अब मैं घर वापस जा रहा हूँ, और ये हमारे इलाके में सड़क का काम जारी है। कुछ 5-4 किलोमीटर कच्ची सड़क थी, उसके लिए हमारे बहुत ही करम किया है हम पर चौधरी सालिक हुसैन MNA और हाफिज़ अमार यासिर साहब ने इस पसमानदा इलाके के लिए ये ग्रांट दी है, जो आपके सामने ये नज़र आ रही है, क्योंकि ये एक हकीकत है। जो लोग इस इलाके की खिदमत करेंगे, हम कभी उनको फरामोश नहीं कर सकते, क्योंकि हाफिज़ अमार यासिर साहब ज़िंदा दिल इंसान हैं। इन्होंने इस इलाके में, अपने हलके में बहुत खिदमत की, और काफ़ी इक्तदार से पहले भी
इन्होंने काम कराए। जब वो शौका दूसरा था इसका दौर परवेज़ मुशर्रफ़ साहब का, तो उस दौर में भी इनके पास को ख़ास इख्तदार तो नहीं था, लेकिन मकबूल उस दौर में हुए क्योंकि वो किसी के साथ जुड़े। तो आज इस इख्तदार तक पहुंच गए क्योंकि चंगियां दे लड़ लगियां मत मैं भी बख्शा जावां। तो वो चंगियां दे लड़ लगे तो आखिर आज वजीर मदनियात के अहदे पर हैं। अल्लाह इनको आबाद रखे।